कैसे हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग रोटेशन ऑफ एक्सिस पे बात करेंगे। यहाँ पर इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा आपको एक रिमाइंडर दे देता हूँ मैं कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ज्योमेट्रिकली, इस बात को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा ये टॉपिक हो सकता है कि आपके लिए टफ़ हो, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो को आप देख लीजिए तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रोटेशन ऑफ एक्सिस। नाउ लेट अस सी द रोटेशन ऑफ एक्सिस, व्हाट विल बी द चेंजेस इन कोऑर्डिनेट इफ वी रोटेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा। दैट मीन्स रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को हम लोग रोटेट करते हैं। हियर लेट दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओल्ड कोऑर्डिनेट, सो दिस इज स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज योर ओल्ड कोऑर्डिनेट, दिस इज ऑरिजिन हैविंग इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0। इफ we are rotating this coordinate axis through an angle theta and let p is any point, मान लिया p point है जिसका coordinate x comma y है, initial coordinate, and we have rotate this coordinate axis through an angle theta, let this angle is theta and this is here x dash and this is y dash, x dash and y dash is new coordinate axis, x dash y dash new coordinate axis and small x small y is old coordinate axis. Then what will be the change in coordinate of point P? इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेस होगा इसको देखते हैं। हियर दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज लेट पी एम, हियर पी एम इज स्मॉल वाई एंड हियर लेट दिस पॉइंट इज ओ एंड ओ एम, ओ एम इज स्मॉल एक्स एंड हियर ओ लेट दिस is perpendicular and this point is let n, o n o n this is capital x and here p n p n this is capital y, that means x comma y, this is x comma y is old coordinate, old coordinate and capital X comma capital Y is new coordinate of point P. This is here theta, this angle is here 90 degree, so this angle will be 90 minus theta, this is 90 minus theta also and this is 90 degree, so this angle will be theta, ये भी आपके पास क्या है थीटा एंगल है एंड इसको हम यहां से मिला देते हैं एंड लेट दिस पॉइंट इज हियर आर, इसको हम आर ले लेते हैं, दैट मींस यू कैन राइट पी आर, पी आर कितना होगा, पी आर, पी आर इज पी एन कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इसको लिखेंगे पी एन कॉस थीटा, ये देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जिसके साथ एंगल बनता है वो आपका कॉस कंपोनेंट होगा, दिस इज पी आर इज इक्वल टू पी एन कॉस थीटा एंड सेकेंड आर एन, आर एन कितना होगा, आर एन इज पी एन साइन थीटा, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हो गया आपके पास दिस इज पी एन साइन थीटा, दिस इज पी एन साइन थीटा, अब इसको हम यहां से ऐसे मिला देते हैं एंड लेट दिस पॉइंट इज एस, इस पॉइंट को हम एस ले लेते हैं, दैट मीन्स यू कैन राइट आर एन, आर एन इज इक्वल टू
ms, rn कितना के बराबर है, ms के बराबर, एंड हियर फ्रॉम दिस फिगर pr, pn कितना है हमारे पास, pn इज y, दैट मीन्स pr इज इक्वल टू y cos theta, एंड rn इज इक्वल टू y sin theta, ये आपके पास क्या है, y sin theta. Now, your initial x coordinate is OM. Initial OS, this is OM is small x. ये small x है. जो आपके पास OM है, small x है. And OM is equal to OS. OS minus MS. And OS कितना है आपके पास? तो OS है ON. And this is cos theta. ये देखिए इसका cos component है. ON का ये cos component है from here to here. तो इसको हम लिख सकते हैं, this is ON cos theta minus. And MS कितना है? RN के equal है. MS is RN. ये RN के equal है. That means you can write X is equal to ON कितना है? ON is capital X. That means capital X cos theta minus RN. RN कितना है? Y sin theta. That means if you know the new coordinate, you can find old coordinate. X and theta पता है, capital X, capital Y. Capital X, capital Y is your new coordinate. If you know the value of new coordinate, you can find the value of old coordinate of X. X को हम लोग find out कर सकते हैं. And from this figure, you can write here PM. PM is here small y, that means your old coordinate. And PM is equal to here, PM is equal to PR plus RM. PR plus RM. PR. And what is PR here? तो PR आपके पास क्या है? PR is y cos theta. Y cos theta plus RM. तो RM हमारे पास कितना है? RM जो है वो आपके पास MS, NS के इक्वल है. This is equal to NS. और NS हमारे पास कितना है? तो NS जो है ON sin theta. ON sin theta के इक्वल है NS. तो देखिए ON जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. This is, ये वर्टिकल कंपोनेंट है इस ट्रायंगल का, दिस है ONS. ONS में देखिए ON का ये साइन कंपोनेंट है एंड OS जो है वो कॉस कंपोनेंट था. तो NS इज इक्वल टू व्हाट, ON, ON sin theta, ये sin theta है. एंड ON इज व्हाट, तो ON आपके पास क्या है, कैपिटल X. दिस इज कैपिटल X एंड हियर दिस इज sin theta. तो इसको हम sin theta लिख सकते हैं, कैपिटल X, दिस इज sin theta. दैट मींस y इज इक्वल टू y cos theta प्लस x sin theta. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ y कोऑर्डिनेट. तो इफ यू नो द न्यू कोऑर्डिनेट x एंड y, कैपिटल x कैपिटल y, यू कैन फाइंड स्मॉल y. इस फिगर को ध्यान से देखिए, हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट को समझने में आपको प्रॉब्लम हो, तो इसको आप रफ में ट्रायंगल बनाकर कंपोनेंट निकालिए और कंपोनेंट निकालकर आप देख सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके अच्छे से सारे फिगर के सारे कंपोनेंट को देख लीजिए और कौन सा कंपोनेंट कैसे यूज हुआ है. आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन एक्स इक्वल्स कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर वन. And second equation, small y equals capital Y cos theta minus X sin theta. You can find the value of capital X and capital Y. That means capital X, capital Y, small x, small y and theta. If you know either this coordinate and theta, then you can find the new coordinate. And if you know new coordinate and theta, this and this, then you can find old coordinate. This is old coordinate and this is new coordinate.
ओल्ड कोऑर्डिनेट का मतलब है कि विदाउट शिफ्टिंग जो एक्चुअल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेकर जो कोऑर्डिनेट था उसका इस पॉइंट का, इसको हम ओल्ड कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। एंड जो शिफ्ट करने के बाद, जो आपका रोटेट करने के बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो रोटेट किया गया है विदाउट शिफ्टिंग इट्स पोजिशन, इसके पोजिशन को बिना शिफ्ट किए जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो शिफ्ट किया गया है थीटा एंगल से, उसके बाद जो इसका चेंजेस होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, उसको हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख रहे हैं। तो ये आपका न्यू कोऑर्डिनेट है। तो बहुत आसान सा तरीका है कि ये आपके पास ओ एक्स न्यू कोऑर्डिनेट है एंड यर हियर दिस इज ओ एन इज न्यू कोऑर्डिनेट, पी एन इज योर वाई कोऑर्डिनेट, न्यू वाई कोऑर्डिनेट, और ये जो पहले एक्स कोऑर्डिनेट था एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री और कंपोनेंट को ब्रेक करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट एंड दैट इज स्मॉल एक्स इक्वल्स कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई इक्वल्स कैपिटल वाई कॉस थीटा प्लस कैपिटल एक्स साइन थीटा। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज हियर योर न्यू कोऑर्डिनेट, दिस इज न्यू आफ्टर रोटेशन ऑफ एक्सिस, एंड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज योर ओल्ड कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स बिफोर रोटेशन ऑफ एक्सिस। इस टर्म को आप बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है, एंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर आप ये बात जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो एक्सिस रोटेशन का फॉर्मूला मिल जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, लेट स्मॉल जेड को हम ले लेते हैं एक्स प्लस आई वाई, एंड कैपिटल जेड इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल आई वाई। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्मॉल जेड इज इक्वल टू कैपिटल जेड इंटू ई टू द पावर आई थीटा, एंड दिस इज स्टैंडर्ड एंड योर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम पोलर फॉर्म में यूलर्स फॉर्म में हम लोग लिखे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल के लिए हमने लिख दिया एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म को, और इसके कार्टेशियन फॉर्म को कैपिटल जेड के लिए लिख रहे हैं आई वाई, और e टू दी पावर i थीटा को हम ये जो यूलर फॉर्म है दिस इज यूलर नोटेशन, और r यहाँ पर क्या है वन है, यूलर नोटेशन इज r e टू दी पावर i थीटा, और इसी को हम अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखते हैं। r इज हियर वन, r वन है तो हम e टू दी पावर i थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, और ये अलग चीज है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज एक्स प्लस आई वाई, एंड हियर दिस इज कैपिटल एक्स cos थीटा प्लस आई कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस आई वाई हियर cos थीटा प्लस आई वाई को इससे इंटू किए आई 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 स्क्वायर इज माइनस वन, दैट मीन्स दिस इज माइनस वाई साइन थीटा, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हम इससे लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, जिसके साथ आई नहीं है उसको एक तरफ, माइनस वाई साइन थीटा, एंड प्लस हियर टेकिंग कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ गया एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया रिजल्ट। दैट मीन्स यू कैन राइट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कंपेयर कर रहे हैं, तो ये देखिए कंपेयर करने पे रियल पार्ट को हम रियल से कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज योर रियल पार्ट, आई के साथ जो लगा हुआ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस कैपिटल y कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, स्मॉल x इक्वल्स कैपिटल x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा, एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y कॉस थीटा प्लस x साइन थीटा। तो दिस वे यू कैन मेमोराइज द फॉर्मूला। तो आपको बस इस बात को याद रखना है कि दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर,
और e टू दी पावर i थीटा से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एंड द बेस ऑफ दिस रिजल्ट इज कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक्सिस जो है वो रोटेट कर जाता है. तो इसको हम लोग याद कर लेंगे. नाउ यू कैन मेमोराइज दिस रिजल्ट इन दिस वे ऑल्सो. यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब सेकेंड फॉर्मूला, अगर आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया हो देन हाउ विल यू फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, तो इसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. लेकिन एक दूसरा भी शॉर्ट तरीका है जिससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. हियर वी आर यूजिंग अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन ऑफ एक्सिस. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल जेड इज इक्वल टू, अभी हमारे पास रिजल्ट था स्मॉल जेड इज इक्वल टू कैपिटल जेड ई टू द पावर आई थीटा. तो हम इसको रिजॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, हियर कैपिटल जेड इज इक्वल टू स्मॉल जेड बाई ई टू द पावर आई थीटा. दैट मीन्स इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे ई टू द पावर माइनस आई थीटा. अब ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल जेड के लिए लिख दिए कैपिटल एक्स प्लस आई वाई कार्टेशियन फॉर्म में, और स्मॉल के लिए हम लिख देते हैं स्मॉल एक्स प्लस आई वाई. और इसके लिए हमको क्या लिखना होगा, तो इसको हम पोलर नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे माइनस आई थीटा. तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा. और आप ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा. अब इस वैल्यू को हम यहाँ उठाकर रखते हैं, दिस इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. इसको मल्टीप्लाई करने पे हम ऐसे लिखेंगे. नाउ अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए स्मॉल एक्स कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए, स्मॉल एक्स कॉस थीटा एंड दिस इज माइनस आई एक्स साइन थीटा प्लस आई वाई कॉस थीटा एंड अगेन दिस इज आई 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स दिस इज वाई साइन थीटा. फिर से हम रियल पार्ट को इससे कंपेयर कर देते हैं एक तरफ लाकर, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है एक्स प्लस आई वाई. तो इसमें हम लिखते हैं एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, दिस इज रियल पार्ट. जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट है, और रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स दिस इज आई, इसको वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा. तो अब आप कंपेयर करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट, एंड दिस इज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा. तो ये आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला आ गया. जब आपको पता हो ओल्ड कोऑर्डिनेट और थीटा देन हाउ विल यू फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट. तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला को, फर्स्ट वाले फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे, तो स्मॉल जेड इज इक्वल टू कैपिटल जेड ई टू द पावर आई थीटा यूज करेंगे यहाँ पर. और इसके लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल जेड इज इक्वल टू स्मॉल जेड ई टू द पावर माइनस आई थीटा यूज करेंगे, और उसको जेड को कार्टेशियन फॉर्म में और इस यूलर फॉर्म को ई टू द पावर आई थीटा को हम लोग ये पोलर फॉर्म में लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू गेट द फॉर्मूला. तो ये आपके पास एक बेहतरीन फॉर्मूला मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके हम यहाँ पे रोटेशन ऑफ एक्सिस के प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं. तो इस फॉर्मूला को या तो याद कर लीजिए या इस बात को आप समझ लीजिए, अंडरस्टैंड इट थ्रू वन एग्जाम्पल. तो देखिए यहाँ पर क्या है, इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज शिफ्टेड, तो आपके पास ये मान लिया ओल्ड कोऑर्डिनेट है एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस इज स्मॉल एक्स एंड दिस इज स्मॉल वाई. हियर क्वेश्चन इज इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज शिफ्टेड 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विच हैज ओल्ड कोऑर्डिनेट 2, 3. मान लिया ये पॉइंट है पी हैविंग कोऑर्डिनेट 2, 3. कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट, दिस वन इज न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज वाई डैश एंड दिस इज एक्स डैश, दिस इज 30 डिग्री. तो ऑब्वियस है कि इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, दिस इज कैपिटल एक्स दिस इज कैपिटल वाई,
what will be the capital X, capital Y? Here given X comma Y is given 2 comma 3. This is old coordinate. And theta is given here 30 degree. तो आपको बताना है कैपिटल एक्स कितना होगा. तो यूज दिस फॉर्मूला, कैपिटल एक्स इक्वल्स स्मॉल एक्स यानी 2 cos थीटा cos 30 प्लस स्मॉल वाई दैट मींस 3 sin 30 sin 30. तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2 cos 30 इज रूट 3 बाई 2 प्लस 3 sin 30 इज हाफ. That means this value is 2 cancel. That means this is root 3 plus 3 by 2. This is capital X. Now what will be capital Y? So capital Y ke liye kya likhenge? Y cos theta. Y is here 3 cos 30 minus X. X is 2 and this is sine 30. Theta is 30. That means Y equals 3 cos 30. 3 cos 30. cos 30 root 3 by 2 minus 2 sin 30 is half. So ye cancel. That means this equal to 3 root 3 by 2 minus 1. This is new y coordinate and this is new x coordinate. So yahan hum log dekhe ki if you know the angle and old coordinate, then you can find the new coordinate. Same way you can find also old coordinate if new coordinate is given. So this is the formula to find the new coordinate or old coordinate if you know other values. So this is very useful. आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही. फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं. Stay connected and keep watching. Thank you.